नमस्कार आदाब, मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली 6 फिल्म के गानों के बारे में, उसमें लिखे गए अल्फाज, बोल, लिरिक्स के बारे में, जो कि लिखे गए हैं प्रसून जोशी साहब की कलम से। और जानने वाली बात ये भी है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म के लिरिक्स को बेस्ट लिरिक्स का नॉमिनेशन मिल चुका है। तो शुरू करते हैं। अर्ज किया है, जी नहीं, मैं कोई शायरी नहीं पढ़ने वाला, लेकिन इस शब्द का अर्ज किया है, इस शब्द का अर्थ बताने वाला हूँ। तो जब कोई शेर पढ़ा जाता है तो उसके पहले हम अक्सर सुनते हैं कि गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है। इसका मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा, मैं शेर पढ़ने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। अर्ज किया है, इससे शब्द आता है अर्जी, और वहाँ से फिर गाना लिखा गया है अर्जियाँ, जिसके बोल है अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। ये कितनी खूबसूरत सी बात है कि जब खुदा के आगे कोई जाके अपनी बात करना चाहता हो तो उसे एक्सप्लेनेशंस, रीजंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने डेस्टिनी बनाई है उसे तो खैर सब पता ही होगा। इसलिए कहते हैं कि तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। यानी कि यहाँ पर जो शब्द है मरम्मत, वो बहुत ही सोच के इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरी जो डेस्टिनी है, जो आपने बनाई है मुकद्दर, उसकी मरम्मत कर दो, उसे थोड़ा सा रिपेयर कर दो। ये बात वो खुदा से कहते हैं। और आगे जाके एक बहुत ही सुंदर सा पार्ट आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी, जब तू रूबरू आया नजरें ना मिला पाया, सर झुका के एक पल में मैंने क्या नहीं पाया। तो ये जो बात है यहाँ, इसका पहला शब्द सर उठा के मैंने कितनी ख्वाहिशें की थी से लेकर सर झुका के एक पल में मैंने क्या कुछ नहीं पाया, और ये अपने आप में एक जर्नी की बात है, जो कि एक एरोगेंस से लेके ग्रेटफुलनेस तक, हम्बल बनने की जो बात है वो यहाँ पर की गई है। तो ये खूबसूरत सा सूफी गाना, जिसे अक्सर हम इसकी बेहतरीन कंपोजिशन की वजह से महसूस ज़्यादा कर पाते हैं, लेकिन इसके शब्द पे अगर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी कुछ सोचने की बातें हमें मिल जाती है। अब जो दूसरा गाना है वो हम बात करेंगे रहना तू। इसके बोल बहुत ही सादगी भरे हैं, और जो लिखा गया है वो कुछ इस तरह है कि रहना तू है जैसा तू, थोड़ा सा रेशम तू हमदम, थोड़ा सा खुरदुरा। यानी कि आप में दोनों प्रकार के ट्रेट्स हैं, कुछ पार्ट्स अच्छे हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो ठीक नहीं भी लगते, लेकिन आप जैसे हो वैसे ही रहो, तुझे बदलना न चाहो रत्ती भर भी सनम, बिना सजावट मिलावट ना ज़्यादा ना कम, तुझे चाहूँ जैसा है तू। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो लिरिक्स लिखे गए हैं वो दूसरे गानों के लिरिक्स से काफ़ी अलग है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अक्सर जब किसी प्यार के बारे में गाना होता है तो वो सुपरलेटिव होता है कि आपकी ये बात सबसे ज़बरदस्त है, आपकी ये खूबसूरती वो बहुत आकर्षित करती है, ऐसी सारी चीज़ों पर बात होती है। यहाँ पर बात की गई है आप जैसे हो वैसे ही, उसी एक्सेप्टेंस के साथ, बिना कोई सजावट मिलावट, कोई भी फेक बात नहीं है यहाँ पर। और इसके आगे तो एक बहुत ही सुंदर सी ऐसे फिलोसॉफिकल लाइन्स आती है जो कहती है कि हाथ थाम चलना हो तो दोनों के दाएं हाथ संग कैसे, एक दाया होगा एक बायां होगा। यानी कि दो लोग जब साथ चलते हैं तो जब वो हाथ पकड़ते हैं तो वो दोनों हाथ अलग अलग होते हैं ना, एक का राइट हैंड होगा तो दूसरे का लेफ्ट हैंड होगा। तो यहाँ बात यह है कि जब साथ चलने में भी तो अलग अलग हाथ साथ में जुड़ रहे हैं, तो ज़िंदगी में भी हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को साथ में ऐसे लेकर आगे बढ़ना है, आगे चलते रहना है। और ये बात सिर्फ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये फिल्म जिस प्रकार से बात करती है वो ह्यूमैनिटी के बारे में बात है, वो इसकी बात है कि आप जो कम्युनिटी में है, आप जिन लोगों के बीच है, वहाँ एक दूसरे के बीच का जो डिफरेंसेस है उसे मिटा के एक्सेप्टेंस के साथ एक दूसरे के साथ होकर आगे चलना सीखे। अब जो तीसरा गाना हम देखने वाले हैं उसका नाम है मसक्करी। तो यूं तो फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो एक
कबूतर को ध्यान में रख के ये पूरा गाना ऐसे कहा गया है, जो ये जो शब्द है वो उसे ध्यान में रख कर कहे गए हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा गाना है जो फीमेल कैरेक्टर की वर्थ को बता रहा है। ऐसा एक कैरेक्टर जो अपनी वर्थ जो है उसके ऊपर डाउट कर रहा है, और उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए जो बात की जाती है उस प्रकार की ये बात है। तो ये भी कॉन्सेप्ट वाइज अपने आप में एक काफ़ी अलग सा गाना है, अलग सी पोएट्री है, जिसके पहली ही लाइन में हमें दिख जाता है कि जरा पंख झटक गई धूल अटक, यानी कि आपका जो पोटेंशियल है आप शायद जानते नहीं है, और इस तरीके से धूल जम गई है उस पे, तो आप पंख झटक के जो धूल है उसे हटा दीजिए, आप अपने आप को जानिए कि आपकी वर्थ क्या है। और फिर आगे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि घर तेरा सलोनी बादल की कॉलोनी, दिखला दे ठेंगा इन सबको जो उड़ना न जाने। और आगे भी ऐसे ही लिखा गया है कि तुझे क्या गम, तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है। तो यहाँ बात की गई है कि आप कौन से लेवल पे है, आप में कितनी ज़्यादा खास बात है उसे पहचाने, और जो लोग आपको नहीं सपोर्ट करते या जो लोग आपके ड्रीम को नहीं देख पा रहे उन सबको इग्नोर कीजिए और आप अपनी मंजिल पे फोकस रहें। ये बात इस फिल्म के जो फीमेल कैरेक्टर है उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार का एक खूबसूरत सा गाना ये भी हमने देखा। अब जो चौथा गाना है वो है एक रैप सॉन्ग, हे काला बंदर। यहाँ पर जो काला बंदर है अगेन उसे एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है, जिससे रिलेट कर सकते हैं कि जो ख़राब बातें हैं जिस पे हम ब्लेम कर देते हैं, या फिर जिन चीज़ों को हम कोसते हैं कि समाज में ये सारी बुराइयां हैं, तो उसे काला बंदर नाम दिया गया है। और अब यहाँ पे देखे कि लिखा गया है हे काला बंदर बाहर है या अंदर, यानी कि हम जिन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं जो हमें पसंद नहीं, क्या वो सारी चीज़ें बाहर है या कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी छिपी हुई है। तो ये गाना अपने आप में एक सटायर भी है, और साथ साथ में हमें काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर जाए, ऐसी बात है। और आखिरी जो दो गाने हमने देखे वो कितने बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं, ये हमें देखने को मिलता है उसके मेटाफर्स में। यानी पिछला जो गाना था वो था काला बंदर, वो भी अपने आप में एक मेटाफर था, और उसके पहले का जो गाना था वो भी एक कबूतर मशक कली उसे ध्यान में रख कर कहा गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो मूवी का कॉन्सेप्ट है उसे पकड़ता है। तो इस प्रकार का खूबसूरत सा लेखन हमें देखने को मिलता है प्रसून जोशी की तरफ से दिल्ली 6 के गानों में। और उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक महफूज रहे, आबाद रहे, शुक्रिया।